नमस्कार दोस्तों, मैं संचित भारद्वाज आपके लिए क्या हूँ एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटीएम में आए हुए एक नए फीचर्स की, वो है ऑटोमेटिक एड मनी का। पेटीएम में कुछ टाइम पहले एक फीचर आया था ऑटोमेटिक एड मनी, जैसे 500 रुपये से नीचे आकर मिनिमम बैलेंस आता है तो आपके पेटीएम में ऑटोमेटिक 1000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये पेटीएम का नया फीचर था। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि इस फीचर से अब मेरे अकाउंट से पैसे कट गए 1000 रुपये, लेकिन वो गए कहाँ। बाद में थोड़ा बहुत समझने के बाद देखने के बाद पता चलता था कि वो पेटीएम में ऐड हो गए हैं, पेटीएम में कट गए हैं। तो ये फीचर लोगों को पसंद भी आ रहा है और नहीं भी पसंद आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन गए कहाँ। तो इस फीचर को किस तरीके से बंद करते हैं कि अगर आपके में ये ऑन है तो ये देख लीजिए, क्योंकि इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके पेटीएम में ऑटोमेटिक ऐड हो गए हैं पैसे, आपको नहीं पता चलता है। तो उससे बेस्ट है इस ऑटोमेटिक फीचर को बंद कर दीजिए और इसको जब आपको पेटीएम में पैसे की ज़रूरत हो पेटीएम वॉलेट में, तो पेटीएम वॉलेट में आप खुद से ऐड कर पाएं, आपके अकाउंट से डायरेक्टली ना कटे। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि आपके पेटीएम वॉलेट में ऑटोमेटिक पैसे ऐड हो रहे हैं तो उसे कैसे बंद करें, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए और सीखिए किस तरीके से इसको डीएक्टिवेट किया जाता है, और इन फ्यूचर अगर आप इसे दोबारा एक्टिवेट करना चाहें तो सेम प्रोसेस से आप दोबारा एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से कंप्लीट करते हैं और क्यों ऐड होते हैं पैसे, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए फोन की स्क्रीन पे चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से इसे बंद करना है। तो दोस्तों मैं अपनी पेटीएम की विंडो पे आ चुका हूँ। पेटीएम खोलने के बाद मैं पेटीएम वॉलेट पे क्लिक करूँगा। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद मैं ये वॉलेट में अंदर आ जाऊँगा। इसमें देखिए सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑटोमेटिक ऐड मनी एक्टिवेट, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करते ही अंदर पहुँच जाऊँगा इसके में, तो इसमें देखो लिखा हुआ है ऐड मनी ऑटोमेटिकली, और लिखा हुआ है 500 बिल बी एडेड ऑटोमेटिकली, 500 ऐड हो जाएंगे व्हेन बैलेंस गोज बिलो 1000, जब 1000 से कम होगा। अगर इसको चेंज करना चाहता हूं मैं तो चेंज अमाउंट पे क्लिक करूंगा और इनकी डिटेल्स को बदल सकता हूं कि कम बैलेंस कटे और कम पे ये ऐड हो। तो देखिए चेंज पे क्लिक करते ही सेटअप ऑटोमेटिकली ऐड मनी का हो गया, लेकिन व्हेन वॉलेट गोज बिलो, इस पर हम क्लिक करके 1000 की जगह मैं इसको 100 रुपये कर सकता हूं, कि जब मेरा बैलेंस 100 रुपये से कम जाए तब पैसे ऐड हों। तो ये बेटर है कि आप कम अमाउंट भी कर सकते हैं, और कितने ऐड हो जाएं ऑटोमेटिकली, ऐड कितने हो जाएं, 500 हो जाएं, 1000 हो जाएं, 2000 हो जाएं, वो अमाउंट भी हम यहाँ डाल के प्रोसीड करेंगे तो वो अमाउंट भी ले लेगा। देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये आप करना चाहते हैं तो इसको भी सेट करके रख सकते हैं, लेकिन अभी पेटीएम ने 1000 रुपये कम से कम होते ही आपके पैसे कट जाते हैं, तो वो चीज़ बहुत दिक्कत देती है। अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के लिए आपको लास्ट में ऊपर की तरफ ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। कैंसिल ऑटोमेटिक ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो नीचे से एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। जब नीचे वाला पॉपअप खुल के आएगा इस तरीके से, तो इस पर लिखा हुआ होगा आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल ऑटोमेटिक ऐड मनी, क्या आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो यस कैंसिल इट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी ये ऑटोमेटिक ऐड मनी का सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये ऑटोमेटिक ऐड होना बंद हो जाएगा। अगर आप इसे दोबारा चालू करना चाहते हैं इन फ्यूचर और कुछ अमाउंट सेट करके रखना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक ऐड मनी पे क्लिक कीजिएगा और फिर 3 डॉट पे क्लिक करके एक्टिवेट कर दीजिएगा। उसी तरीके से सेम प्रोसेस होता है, एक्टिवेट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसको बंद करना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें कभी कभी नहीं याद होता कि हमने पेटीएम में एक्टिवेट कर रखा है और हमारा बैलेंस कट गया तो हम थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरी तरफ से यही सलाह है कि आप इसे बंद रखें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।